नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख जखा अशरफ ने बीसीसीआई के सामने भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज का प्रस्ताव रखा है। अशरफ का कहना है कि एसएस की तरह यह भी हर साल होनी चाहिए। पीसीसीबी चीफ ने कहा कि मैंने बीसीसीआई को एसएस की तरह वार्षिक गांधी जिन्ना ट्रॉफी खेलने का प्रस्ताव दिया। भारत और पाकिस्तान इस श्रृंखला के लिए एक दूसरे के दौरा कर सकते हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान साल 2014 से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेले हैं। दोनों टीमों का आमना सामना आईसीसी इवेंट्स में ही होता है। हाल ही में दोनों टीमें एशिया कप में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी। टूर्नामेंट के दो मुकाबले हुए थे जिसमें एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, वहीं दूसरा मैच टीम इंडिया आसानी से जीत गई थी। यह वही जखा अशरफ है जो कुछ दिन पहले भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे थे और आज वो भारत से खेलने के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा था कि ज्यादा पैसों से टीम का दुश्मन मुल्क में वर्ल्ड कप खेलने का हौसला मिलेगा। उनके इस बयान पर विवाद हुआ था, बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि जखा अशरफ के बाद में कहा कि पाकिस्तान टीम को हैदराबाद में काफी स्वागत मिला, इसके लिए शुक्रिया। पीसीबी ने सफाई में कहा कि बोर्ड अध्यक्ष का मानना है कि भारत पाकिस्तान मुकाबले में हमेशा दुनिया को आकर्षित करता है, यही वजह है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमेशा इसका इंतजार रहता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में है। टीम का हैदराबाद के होटल में शानदार स्वागत किया गया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। पाकिस्तान के कई खिलाड़ी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। और भी स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।